Hey guys, what's up? Welcome to Gaming with Abhinit. और भैया FIFA करियर मोड का अगला एपिसोड यहाँ पे आने वाला है, आ चुका है, आ रहा है, जो भी है, ठीक है। तो कुछ बातें यार यहाँ पे क्विकली कर लेता हूँ। सबसे पहली बात भैया, मुझे पता लाइव स्ट्रीम्स पीछे नहीं हुई यार, मेरी गेम सही नहीं चल रही थी एक्चुअली, वो ओवर हीट होके बंद होगी, तो पता नहीं यार क्या चक्कर है। जब भी लाइव स्ट्रीम शुरू करना चाहते हैं कोई ना कोई दिक्कत हो जाती है, बट ऐसा नहीं है, लाइव स्ट्रीम्स करेंगे। आई थिंक ये वीडियो अगर संडे आ रही है तो बहुत जल्दी, अब मैं डेट नहीं बोलने वाला, किसी भी दिन लाइव स्ट्रीम हो जाएगी, 3 बजे होगी, किसी भी दिन हो जाएगी, ठीक है। मैं नहीं बोलने वाला इस दिन करूँगा उस दिन करूँगा, क्योंकि बहुत हो गया यार। गेम की बात बता देता हूँ, ओवर हीट हो रही थी बहुत ज़्यादा और गेम अपने आप बंद हो जा रही थी, तो उसकी वजह से भैया प्रॉब्लम हुई। तो गेम बहुत अच्छे से पकड़ के साफ की है भाई, बहुत मिट्टी निकली है उस बेचारी के अंदर से, वो भी क्या करती। तो आई थिंक उसके जो फैंस थे वो ब्लॉक हो रहे थे, और गर्मी भी है तो उस वजह से गेम जो थी वो बार बार बंद हो रही थी। पहले तो मैं डर गया, मुझे लगा गई गेम, बट स्टिल साफ करके ठीक चल रही है, तो ये अच्छी बात है, ठीक है। तो चलो अब वापस आते हैं अपने फीफा करियर मोड की तरफ। तो क्रिकेट का एक्चुअली करियर मोड मेरा बना हुआ था, तो वो तो भैया एज़ यूजुअल जब आना आ जाएगा, ये मैं अब बना रहा हूँ। तो हमारा मैच है क्रिस्टल पैलेस के साथ, तो लास्ट जो हमारा एपिसोड गया था बढ़िया था, अनफॉर्चुनेटली कोई गोल भी नहीं हुआ था, असिस्ट भी नहीं हुआ था। आज हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, चलो बहुत ही बात है, शुरू करते हैं। तो चलिए भैया किक ऑफ टाइम यहाँ पे आ चुका है, हमारी टीम अवे अवे है, अवे अवे अवे, और इस बार जो है भैया साउंड क्वालिटी में भी आई थिंक थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए, क्योंकि जो माइक है वो मैं डायरेक्टली कंट्रोलर की बजाय लगाया हुआ है लैपटॉप पर, तो लास्ट टाइम से अगर अच्छी है तो बता देना। और मेरा ध्यान बातों में इतना कि भैया मैंने ध्यान ही नहीं दिया, वहाँ मैच शुरू हो चुका था मतलब मेरे आसपास प्लेयर घूम रहा था, जो भी है ओके। तो अच्छा अच्छा वहाँ पे थ्रू पास दिया, ये मौका है, ये भैया मौका है। अरे यार क्लोज आ गए थे, थोड़ा सा लालच भी आ गया था, मैंने बॉल नहीं मांगी भाई, मैंने बॉल नहीं मांगी थी, इसने खुद दे दी। नहीं 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 नहीं, क्या किया ये लिटरली भैया, इतनी क्या बोलूं, इतना बेकार डिफेंस वहां पे, बहुत ही मजे से उनके प्लेयर बॉल भी ले गए, गोल भी लगा दिया, मार दिया, जो कहना कह लो। हमारा डिफेंस भैया कर क्या रहा था वहां पे, बॉक्स में किसी प्लेयर को इतना खुला कैसे छोड़ सकते हो यार तुम, बिल्कुल कोई उसके आसपास ही नहीं था, वाह मेरे भाई कमाल कर रहे हो। ये फिर से वही आदत है यार, बॉल पास आते ही ध्यान जो है वो, ये अच्छा पास था। अरे यार मैं एक्चुअली पास देना नहीं चाहता था फ्रेंकली, वो मैं पास के लिए बॉल मांग रहा था और वो बॉल मुझे दे ही चुका था, तो उसने पास दे दिया, किक मारनी थी मुझे भाई तुम्हारे चक्कर में, तो मैं पढ़ने नहीं वाला। अभी भी पावर बहुत कम है, मेरी आदत है मैं दूर से शॉट मारता हूँ, मुझे पता है मुझे पास जाके मारना चाहिए, लेकिन भैया आदत से मजबूर आदमी हूँ मैं, और पावर मेरे प्लेयर में बिल्कुल भी नहीं है। फिर से पास करवा के आएंगे, सॉरी गोल ना करवा दियो भाई, नहीं करवाना है गोल, नहीं करवाना है। ओ अच्छी अच्छी हैंड बॉल लो, हो गया था। तो पेनल्टी क्या लगता है क्या होगा, मुझे तो लग रहा है क्रिस्टल पैलेस स्कोर कर देगी, क्या हमारा सिंघम यहाँ पे कुछ कर पाएगा, बिल्कुल भी नहीं भैया, ये सिंघम फ्लॉप हो गया इस टाइम पे, बहुत बिल्कुल मतलब समझ नहीं आया किया गया वहाँ पे, उन्होंने रीड ही नहीं कर पाए यार बिल्कुल भी, कहीं और ही चले गए थे वो, और बॉल कहीं और ही थी। मुश्किल होती है पेनल्टी रोकना, बट स्टिल अगर रोक लेते तो मज़ा आता। अरे मैंने मांगा नहीं था यार, एक तो बटन चेंज कर लो भैया तुम, हटो, अब मांगा मैंने भाई साहब, अरे यार
यार, नाइस टैकलिंग, ऑब्वियसली भैया वो मेरा आई थिंक अभी तक का सबसे बेस्ट चीज है ये। अच्छा रोका यार। अरे यार आज थोड़े एग्रेसिव दिखे, लग रहा है शायद गोल मार पाए। आज इनका बंदा सिंगम बन रहा है भाई। तो कॉर्नर किक कुछ हो पाएगा? मुझे तो भैया ये कॉर्नर के आसपास भी नहीं रखते, कहीं डी के भी बाहर हूं मैं। किसको किसको पेनाल्टी? यस मुझे दे दो, मैं लूंगा। तो क्या कार्ड मिलेगा? मुझे लगता नहीं वैसे कार्ड की जरूरत है, बट पेनल्टी जरूर आएगी यहाँ पे। क्या पुश किया था क्या? ओ भाई लात मार दी थी। भूल गए शायद, ये फीफा चल रही है, WWE नहीं चल रही। शॉन माइकल्स मत जगाओ अपने अंदर का, जो भी है गोल मारे बिना नहीं आना है। कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन भाई साहब, गोल हो गया, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया गोल वहां पे। तो फाइनली 2-1 हो चुका है, और मुझे पता है मुझे असिस्ट भी नहीं मिलने वाला इसका, लेकिन मानो या ना मानो थैंक्स हमारा बनता है। किक मेरी थी भैया जिससे कॉर्नर मिला था, लेकिन मैं कुछ नहीं होता, टीम मैटर करती है, और टीम के लिए वहां पे गोल आ चुका है। पीछे से टी शर्ट खींच मेरा बंदा, तू भूल गया तो पहले कितनी अच्छी टी शर्ट खींचता था। हट जाओ सारे, मैं लेके जाऊंगा। ये क्या आ रहा था साइड पे, मुझे उसने कंफ्यूज कर दिया थोड़ा सा। ये क्या कर रहा है भाई, क्या भाई मैं तो कहीं हूं भी नहीं, मेरी क्यों हमेशा पॉइंट काट देते हो यार। पर जो भी है, फ्री हिट नहीं फ्री किक मिलती हुई। लास्ट टाइम गलती से मुझे से एक जगह फ्री हिट बोला गया था, इस बार नहीं बोलूंगा, फ्री किक मिलती हुई। और कम ऑन यार, गोल मारते हैं। कम ऑन कम ऑन कम ऑन, तू अंदर है, तू कहाँ चला मेरे भाई? ये क्या किया, बॉल मांगनी चाहिए क्या इस टाइम पे? नहीं 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 या दे दे, चल देखी जाए, दे ना यार। ओ भाई, अरे यार नहीं, यार बहुत अच्छा लेके गया था, पास इतना बुरा कैसे दे सकता उसके बाद में। तो एक बार फिर से बॉल जो है वो हमारे पास आ चुकी है, और यहाँ पे कोई भी नहीं है भाई, तो मैं बस बॉल लेके जा रहा हूँ, और मैं क्रॉस पर, भाई वो गोल मार सकता था वहां पे यार, गेम चलने तो देता यार। येलो कार्ड तो डेफिनेटली बनता है वहां पे, लेकिन भाई मैं गोल, वो बंदा गोल मार सकता था यार वहां पे, उसके बावजूद अच्छा क्रॉस गया था। अरे यार फ्री किक में पता नहीं होगा कि नहीं होगा। लेट्स सी। ओ भाई दूरो रेफरी के, इतनी पास नहीं जाना हमें। तो यार ये क्यों नहीं पोजीशन में रह रहा भाई, ये मेरी गलती थोड़ा है, मैंने तो बटन दबाया हुआ है। भाई मैंने सही मांगा था वैसे पास यार, हद हो गई है यार। आई थिंक मैंने अभी तक FIFA 21 ज़्यादा खेली नहीं है, तो इस वजह से जो शूटिंग है वो शायद इतनी अच्छी नहीं हो रही, कुछ शायद रेटिंग का भी फर्क हो। गोल तक ले जाता हूँ किसी तरह, लेकिन उसके बाद भैया हमारा प्लेयर उसको कन्वर्ट नहीं कर पाता गोल तक, गोल में। यार मैं पोजीशन में ना रह नहीं सकता, ये बार बार मुझे कहता है ना स्टे इन द पोजीशन, वो मेरा बोरिंग हो जाती है यार गेम उससे, एक जगह खड़े रहने से। वो फिर कह रहा है स्टे इन द पोजीशन। चल मैं क्रॉस दूंगा, ठीक है उधर संभाल लियो। अरे भाई तू ये क्रॉस, बैड क्रॉस भाई, मैनेजर अंधा है भाई, ये कैसे बैड क्रॉस था? इससे अच्छा क्रॉस मैं क्या दे सकता हूं उसको? भाई ये क्या, कहां से उठा के लाए हो ये मैनेजर, लिटरली भाई इससे अच्छा क्रॉस क्या दूंगा इसको मैं, बताना मुझे। ये देखो
मेरी गलती है क्या? इससे किक नहीं मारी जा रही यहां पे, स्टाइल मारने को आ रहा है ये। इतना सही क्रॉस था ये, इसकी स्पीड स्लो होती है क्या? आई थिंक नहीं होती, होती है, होती है, यहां से होती है। वो देखो वो पहुंच ही नहीं रहा वहां तक, मेरी गलती थोड़ा है। यार मैनेजर हद है भाई, हद है सही में। मुझे जिस दिन आया मैंने ये क्लब छोड़ देना, क्योंकि मैनेजर बेकार है यार, सच कह रहा हूँ। फॉर्मेशन थोड़ी अजीब सी लग रही है, क्योंकि इस टाइम हम हार रहे हैं भाई। अटैकिंग फॉर्मेशन हुई नहीं काफ़ी टाइम से, ये कहाँ लेके जा रहे हो मुझे? कहाँ विंगर बना दिया भाई उसने? मैं नहीं हूँ भाई, मैं नहीं। अच्छा ये देखो, उसके बाद ऐसे काम। मुझे नहीं लगता मैं मिडफील्ड में खेल रहा हूँ, लेफ्ट या राइट मिडफील्ड में। मैं आई थिंक आगे चला गया हूँ, लेफ्ट विंगर या राइट विंगर जा चुका हूँ मैं। क्या कर रहा है भाई? तो लीजिए भैया हमारा, आई थिंक लास्ट टाइम हम कोई मैच हारे नहीं थे, तो पहला लॉस यहाँ पे आ चुका है, और अनफॉर्चुनेट है भैया ये काफ़ी ज़्यादा। लग रहा था कमबैक कर जाएंगे, बट सेकंड हाफ कुछ मज़ेदार नहीं रहा यार बिल्कुल भी। और शुरू में आई थिंक शुरू का कुछ टाइम ना हमारा डिफेंस बहुत बेकार खेला है, बहुत ही बेकार खेला है। ओवरऑल हमारी रेटिंग भी 7.9 रही, बट यार मैं सही बोलूँ ये रेटिंग सही नहीं है। स्टे इन द पोजीशन वाली जो ये रेटिंग मेरी कम करी जा रहा है, और उसके बाद भैया कह रहे हो कि तुम्हारा क्रॉस अच्छा नहीं है, जो क्लियरली अच्छा था। क्या बोलूँ, टैकल्स देखो 3 की 3 जीती है मैंने, आउट ऑफ पोजीशन 4 बार, बॉल रिटेंशन कभी नहीं देखते, ये गंदी चीज़ होती है। चलिए लीग मैच नहीं, ये है कप मैच, कराबो कप लिखा है वहाँ पे। अच्छा बॉल मुझे दे भी दी, और मैच हो रही जा रहा है भैया विम्बल्डन से, जिन्हें आई थिंक हमने एक बार पहले भी हराया। अरे भाई बॉल लूज करती यार, मैं कितने प्लेयर्स बीट करके वहां तक बॉल लेके गया था। गोल तो नहीं होने दूंगा, रुक रुक रुक। अरे वेरी गुड, ये देखा, अगर तेरी स्टे इन पोजीशन वाली बात पे होता ना भैया, ये टैकलिंग नहीं होती, ऐसे करना था मुझे। लास्ट टाइम जो मैं कर नहीं पाया था अनफॉर्चुनेटली। एक चीज और मैं देख रहा था फॉर्मेशन में, हम भैया सेंटर मिडफील्डर हैं, मुझे बीच में लग रहा था कि क्या बात है, क्या गोल है, बेहतरीन। फाइनली विंबलडन से तो अच्छी टीम है हमारी, ये पक्का है। बढ़िया गोल, बढ़िया गोल, अच्छा स्टार्ट। पर मुझे गोल मारना है यार, कब टूटेगा ये व्रत, गोल मारना है भाई। वेरी गुड, मुझे दे ले जा। अरे नहीं, इतनी बड़ी गलती। ओ वेरी गुड यार, कमाल भाई, एकदम मजेदार। अब तो भाई गोल से पहले नहीं रुकता तुम्हारा थारा भाई, अभी नहीं, क्रॉस दिए बिना नहीं आएगा अब। मुझे गोल करना है भाई। अरे यार आज हो क्या रहा है, एक भी पास सही नहीं जा रहा भाई, ये क्यों हो रहा है ऐसा? रुक रुक रुक। अरे शाबाश सिंगम। ओके, ये वैसे मेरे से बॉल लूज हुई थी भाई, ले गया ले गया ले गया ले गया। इस बार मैंने कीप इट सिंपल कर दिया। ये क्या किया, ये क्या किया, अरे यार तेज भागने के चक्कर में गलती करती मैंने, बढ़िया निभा रहा हूँ। और इस बार पास भी दे पाया हूँ, जो अभी तक इस मैच में वैसे हो नहीं पा रहा था, मुझे नहीं पता क्यों। ले मुझे ही दे दे भाई मुझे, खैर तुझे क्या बोलूँ, आज तो मेरे पास अच्छे नहीं जा रहे इस मैच में, किसी दूसरे को क्या बोलूँ, चल ला दे मुझे, दे दे।
अरे यार आज हुआ क्या है? अरे यार मैनेजर की एक तो बुराइयां करता रहता हूँ मैं बैठ के, ऊपर से जब बॉल आती है तो ऐसी हरकत कर देता हूँ। चलो ये तो सही था यार, इसी तरह निकाल दी। अब ये इसकी पोजीशन पे मत रहे यार, तू छोड़ छोड़ अपने हिसाब से आ। ये इसीलिए दिक्कत है, इनको आगे बॉल दो भैया, ये यही करते हैं हर हमेशा का इनका। तू आगे जा भाई, तू यहाँ क्यों खड़ा है? पोजीशन का बोला ना, मैं छोड़ना नहीं है तुझे, ला दे लेके चले यहाँ। तुम्हारा मैंने देख लिया जिसका, अब ले जा। रुक मैं यहाँ कवर करने की कोशिश करता हूँ। ओए ज्यादा आगे नहीं जाना भाई, तूने लूज कर दी वहां पे। अरे यार मैंने भाई आज हुआ क्या है, सीधा पैरों में क्यों दे रहा है यार? मेरा बंदा लग रहा मुझे आउट ऑफ फॉर्म चला गया बेचारा, सदमे में चला गया ये तो। अब ये भी नहीं हो रहा तेरे से, एक ही काम तो अच्छा करते थे हम, वो भी नहीं हो रहा भाई। अब तो छोड़, अब भूल जा कोई मैनेजर है, अब अपने हिसाब से गेम खेलते हम लोग। बैड कॉल वैसे ये सच में बैड कॉल थी, मैं भी मानता हूँ इस बार तो मैनेजर की मानता हूँ मैं भी। तेरी पोजीशनिंग के हिसाब से मेरा जिंदगी में कभी गोल नहीं। आज हुआ क्या है यार, आज ये भी सही नहीं कर पा रहा ये भाई, क्या कर रहा है यार? ये वाला मैच बहुत बेकार खेला मेरे वाला प्लेयर, सही में कह रहा हूँ। गोल ना हो जाए यार अब इस टाइम पे। नाइस, चलो शुक्र है मैच जीते, बट ये मैच बहुत ही बेकार था यार, बहुत बेकार मैच किया ये। पर आई थिंक ये नॉकआउट कप होता है तो बाय बाय भाई, जो भी टीम दूसरी थी और हम जीत गए वहाँ पे। तो अगले राउंड में जा चुके हैं, जो लिंटन भैया ने गोल मारा था, खतरनाक प्लेयर हो गए हैं ये। अपने कीपर का नाम पढ़ना है, तो इस बार रेटिंग और कम होगी 7.5, बट आई थिंक उसका बहुत बड़ा रीज़न यही था कि आउट ऑफ पोजीशन जो मेरा 5 बार हुआ है। बट पोजीशन में रह के ना बोरिंग हो जा रहा है यार काम, वो जहाँ पे खड़ा कर रहा है वहाँ पे मज़ा नहीं आ रहा, बॉल बहुत कम आती है। पोजेशन इस बार भैया 17 बार लूज किया है, ये नहीं होना चाहिए था इस बार। वैसे सही में इस बार इवन हमारे पासिस देखो यार कितने ज्यादा फेल हुए, 5 शॉट और 3 मीडियम, लॉन्ग तो बात ही मत करो। क्रॉस एक किया था वो अनसक्सेसफुल गया, हालांकि फेल्ड गया, वाह फेल्ड, शाबाश, इतना बुरा पास क्रॉस नहीं लग था वो। मैनेजर हमारा गुस्से में आ चुका है भाई, लिटरली देख के लग रहा है यहाँ पे गुस्से में आ चुका है मैनेजर हमारा। बट सिर्फ उसको मेरे पासिस अच्छे लगे जो मुझे इस बार मजा नहीं आया करके, उसके अलावा भाई उसको कुछ भी पसंद नहीं आया मैनेजर को मेरा, तो मैनेजर और मेरे बीच में बिल्कुल भी नहीं बन रही है, तो बात पक्की है इस टाइम पे। तो अभी भी हमारी फॉर्म जो है वो गुड है, मुझे लगा था लास्ट मैच के बाद शायद फॉर्म जो है वो इतनी अच्छी ना हो। अबे शॉट, ये शॉट है यार, ये सच में ये शॉर्ट हेयर होते हैं? मुझे इंग्लिश ही नहीं आती थी आज तक, मैं इनको लॉन्ग हेयर समझता था। वाह कितने छोटे बाल है इसके। तो आगे से भाई जो लोग स्कूल जाता है और कोई टीचर उसको कहे कि तेरे भैया हेयर शॉर्ट नहीं है, ये दिखा देना, तो देखो ये जैसी बड़ी कंपनी झूठ नहीं बोल सकती। ठीक है अब थोड़ा बंदा लग रहा है, सेव चेंजेस यस, मतलब पहले भी बंदा ही लगता था ऐसी बात नहीं है, बट अब लग रहा है छोटा सा बच्चा। मैं इंटरनेशनल ड्यूटी के लिए जा रहा हूँ तो कम से कम भैया मुझे वो तो बता दो, कंट्रोल योर करियर। क्या मैं ट्रांसफर रिक्वेस्ट करूँ? मुझे बताओ यार, मुझे मज़ा नहीं आ रहा, न्यू वेसल का मैनेजर बहुत बेकार, पता नहीं क्यों, रिटायर होने का तो कोई मतलब नहीं बनता। मैं कर सकता हूँ क्या? करके देखते वैसे, क्यों ना करें, है ना? कर देते, ट्रांसफर रिक्वेस्ट कर दिए तो, अगर कोई अच्छी टीम की यहाँ पे ऑफर आती है तो भैया निकल लेंगे। मैनेजर बहुत बेकार है, बात नहीं बन रही मैनेजर के साथ में।
हालांकि मुझे पता है कोई बहुत बड़े क्लब की ऑफर आने नहीं वाली है, बट स्टिल यू हैव नॉट बीन सिलेक्टेड भाई, अभी ये मुझे खिला भी नहीं रहा। सही है बेटे। तो ठीक है, अगर खिला ही नहीं रहे हो भैया तो सिम कर देते हैं इस मैच को, आई थिंक हमें यहाँ से पता चल जाएगा। तो हम हार गए भैया 2-0 से लास्ट मैच, पीछे जा नहीं सकते, पर 0-2 लिखा है, मैंने ध्यान नहीं दिया था। चलो जी, तो हार का सीज़न शुरू हो गया यहाँ पे न्यूकासल के लिए। ओके, अभी नहीं कर रहा, 10 घंटे बढ़े हैं। तो अगर कोई और क्लब से ऑफर आता है, मुझे नहीं पता किससे आएगा, किसी से भी आता है, तो क्या मुझे एक्सेप्ट करना चाहिए या न्यूकासल में रहना चाहिए? कमेंट सेक्शन में ये बात भैया मुझे जरूर बता देना। 3 से 9 के बीच में शायद कोई मैच होगा, जो भी है भैया, मैच अभी इसको ख़त्म करते हैं, लंबा एपिसोड बन रहा है। तो आई होप यार आपको मज़ा आया होगा, और देखते हैं भैया अगले एपिसोड में क्या बनता है। यहाँ पे मुझे बस इतना बता दो, अगर किसी भी क्लब की बाई चांस आती है ट्रांसफर रिक्वेस्ट, तो क्या निकल ले कि बैठे रहे न्यूकासल में? अभी तक मुझे न्यूकासल में मज़ा भी नहीं आ रहा है, और अब तो भाई इसने मुझे खिलाना भी छोड़ दिया, लास्ट मैच खिलाया भी नहीं। तो देखते हैं क्या बनता है। तो आई होप आपको मज़ा आया होगा, मज़ा आया भैया लाइक कर दीजिए, कोई भी बात है कॉमेंट कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए भैया। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। बाय बाय वाला काम ना मुश्किल हो रहा है सही में। आज थोड़ा कैमरा मेरा दूर है, तो बाय नहीं ऐसे नहीं, ऐसे ही करूँगा, बाय बाय।